Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण और आप सभी को आपकी अपनी चैनल किरण ऑफिशियल ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती है तो उनके गर्भ में बेबी बॉय होता है तो उनको कुछ अलग लक्षण दिखाई देते हैं, और जब उनके गर्भ में बेबी गर्ल होती है तो उनको कुछ अलग लक्षण दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं ऐसे 5 लक्षण के बारे में बताऊँगी जो प्रेग्नेंट महिलाओं के गर्भ में बेबी बॉय होता है उस दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं को दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, और अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ ही साथ फ्रेंड्स चैनल का बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे मेरी अगले आने वाली जितनी भी वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। और फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं के मन में बहुत सारी जिज्ञासा होती है और उनके मन में बहुत सारा सवाल उठने लगता है। ऐसा लगता है कि उनके मन में सवालों की बारिश होने लगी है, और उनके मन में सबसे ज़्यादा जिज्ञासा ये होती है कि उनके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है, उन्होंने किस को कंसीव किया है, बेबी बॉय को कंसीव किया है या बेबी गर्ल को कंसीव किया है। ये हर प्रेग्नेंट महिलाओं के मन में ये जिज्ञासा होती है। तो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो में उन्हीं प्रेग्नेंट महिलाओं की मन की जिज्ञासा को दूर करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। और मेरा वीडियो का मतलब लड़का और लड़की में भेदभाव करना बिल्कुल ही नहीं है, और फ्रेंड्स लड़का और लड़की में कभी भी भेदभाव करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स लड़का और लड़की दोनों बराबर होते हैं। चाहे एक माँ के लिए बेटा हो या बेटी हो, दोनों संतान माँ के लिए बराबर होता है, और फ्रेंड्स एक माँ को उतना ही दुख होता है उनको, चाहे उनका बेटा हो या बेटी हो, उनको एक ही बराबर दुख होता है। ये नहीं होता है फ्रेंड्स कि बेटे को पैदा करते वक्त उनको कम दुख हो या बेटी को पैदा करते वक्त उनको कम दुख हो, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है फ्रेंड्स। दोनों में बराबर ही दुख होता है, इसीलिए फ्रेंड्स माँ के लिए बेटा और बेटी दोनों बराबर होता है। उनके मन में बेटा और बेटी के लिए कोई भी भेदभाव नहीं होता है। मैं ऐसे 5 लक्षण के बारे में बताऊंगी जो बेबी बॉय होने के दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं में दिखाई देता है। हो सकता है फ्रेंड्स ये वीडियो से आपकी मन की जिज्ञासा को थोड़ी सी मैं दूर कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स, जो बेबी बॉय होने के 5 लक्षण हैं उनमें जो सबसे पहला लक्षण होता है वो है फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं को अगर ज़्यादातर लेफ्ट साइड सोने में अच्छा लगे, उनको ज़्यादा लेफ्ट साइड सोना अच्छा लगे तो कहा जाता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होता है। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं ज़्यादातर राइट साइड सोने में अच्छा लगे, वो ज़्यादातर राइट साइड सोती है तो कहा जाता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़की है। ये लक्षण फ्रेंड्स ज़्यादातर प्रेग्नेंट महिलाओं में देखा गया है। जिनके गर्भ में बेबी बॉय होता है उनको ज़्यादातर लेफ्ट साइड में सोना अच्छा लगता है, और जिन प्रेग्नेंट महिलाओं के गर्भ में बेबी गर्ल होती है उनको ज़्यादा राइट साइड सोना अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स ये भी है कि प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर हमको ज़्यादातर लेफ्ट साइड सोने की ही सलाह देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम लोग लेफ्ट साइड सोते हैं तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे घर में जो बेबी होता है उसको अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई होती है, जिसके वजह से हमारे घर में पल रहे बच्चे को अच्छे से ऑक्सीजन मिल जाती है और वो अच्छे से सांस ले पाता है। हम लोग को डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि हम लोग को लेफ्ट साइड ही सोना चाहिए। तो फ्रेंड्स हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान भी ये लक्षण दिखाई दे और आपके साथ भी ये लक्षण मैच हो जाए। फ्रेंड्स, मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मुझ में भी ये लक्षण दिखाई दिया था। फ्रेंड्स, मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मैं भी ज़्यादातर लेफ्ट साइड में ही सोना पसंद करती थी। मैं जब राइट साइड सोती थी तो मुझे नींद नहीं आती थी, मैं ज़्यादातर लेफ्ट साइड में ही सोती थी। तो फ्रेंड्स ये लक्षण मेरे साथ मैच हुआ। और बेबी बॉय होने की जो दूसरी लक्षण है वो है फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं को कमर में ज़्यादा दर्द हो तो कहा जाता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है, क्योंकि हमारी जितनी भी बुजुर्ग दादी नानी लोग हैं वो लोग ये मानती है कि गर्भ में जब बेबी बॉय होता है तो उनको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वैसे तो फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं को किसी न किसी अंग में दर्द तो रहता ही है, ये फ्रेंड्स हमारी दादी लोग मानती है, और साथ ही साथ ज़्यादातर प्रेग्नेंट महिलाओं में ये लक्षण देखा गया है। और जो बेबी बॉय होने की तीसरी लक्षण है वो है फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिलाएं जब अल्ट्रासाउंड कराने जाती है और उस दौरान अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में अगर बच्चे की एफ
एफएचआर यानी कि बच्चे की दिल की धड़कन अगर 140 से नीचे हो तो कहा जाता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होता है। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिलाएं जब अल्ट्रासाउंड कराने जाती है और उस दौरान अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बच्चे की एफएचआर यानी कि बच्चे की दिल की धड़कन अगर 140 से ऊपर हो तो कहा जाता है गर्भ में पल रहा बच्चा लड़की होती है। तो ये लक्षण फ्रेंड्स ज़्यादातर प्रेग्नेंट महिलाओं में देखा गया है। जिन प्रेग्नेंट महिलाओं के गर्भ में बेबी बॉय होता है उस दौरान उनका एफएचआर 140 से नीचे होता है तो उनके गर्भ में बेबी बॉय होता है। और जिन प्रेग्नेंट महिलाओं के गर्भ में बेबी गर्ल होती है उनका एफएचआर 140 से ऊपर होता है। तो फ्रेंड्स ये लक्षण मुझ में मैच नहीं हुआ था। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मेरा बच्चे का एफएचआर कभी भी 140 से नीचे नहीं आया था। मेरा बच्चे का एफएचआर हमेशा 140 से ऊपर था। फर्स्ट जब मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई थी तो मेरा बच्चे का एफएचआर 147 था। मेरी प्रेगनेंसी का 9वां महीना हुआ था और जब मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई थी उसमें मेरे बच्चे का एफएचआर 153 था। तो फ्रेंड्स मेरे साथ ये लक्षण मैच नहीं हुआ। लेकिन फ्रेंड्स हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान ये लक्षण मैच हो जाए। बेबी बॉय होने की जो चौथी लक्षण है वो है फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिलाएं बहुत ही एक्टिव हो, यानी कि उनकी प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में वो उतनी एक्टिव नहीं रहती है लेकिन उनकी डिलीवरी का टाइम पास आने लगता है तो वो बहुत ही एक्टिव होने लगती है। वो सारा काम करने लगती है। प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिलाएं ज़्यादा एक्टिव हो, हर काम वो करे ना, वो हर काम वो करना पसंद करे, घर का सारा काम करे, उनके शरीर में ज़्यादा आलसपन नहीं आए, वो घर का सारा काम करे, हर चीज में एक्टिव हो, वो उनको उनकी प्रेगनेंसी के दौरान आलसपन नहीं आए तो कहा जाता है गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होता है। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं को ज़्यादा आलसपन आए, उनको कुछ करने का मन नहीं करे, हमेशा सोने का मन करे तो कहा जाता है घर में पल रहा बच्चा लड़की होती है। फ्रेंड्स ये सिम्टम मेरे में मैच हुआ था। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में मुझे बहुत ही आलस लगती थी, मुझे कोई काम करने का मन नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे मेरी प्रेगनेंसी का महीना बढ़ते गया, जैसे जैसे मेरी डिलीवरी का समय पास आने लगा, वैसे वैसे मैं एक्टिव होने लगी, मुझे ज़्यादा काम करना अच्छा लगता था। तो फ्रेंड्स ये सिम्टम मुझ में मैच हुआ था। तो हो सकता है फ्रेंड्स आपकी प्रेगनेंसी के दौरान भी ये सिम्टम मैच हो जाए। और जो पांचवी सिम्टम है वो है फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं को पाँव में ज़्यादा दर्द हो तो कहा जाता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होता है। क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादातर प्रेग्नेंट महिलाओं में ये सिम्टम दिखाई दिया है। जिन प्रेग्नेंट महिलाओं के घर में बेबी बॉय होता है उनको ज़्यादातर पाँव में दर्द होता है। तो फ्रेंड्स ये सिम्टम भी मुझसे मैच हुआ था। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे पाँव में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता था, लेकिन फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में मेरे पाँव में बिल्कुल ही दर्द नहीं था। मेरी प्रेगनेंसी का जब 8वां और 9वां महीना लगा उस दौरान मेरे पाँव में बहुत ही दर्द होने लगा था। मेरे दोनों पाँव में दर्द नहीं थे फ्रेंड्स, मेरा सिर्फ एक ही पाँव ज़्यादा दर्द करता था। तो फ्रेंड्स ये सिम्टम भी मेरे साथ मैच हुआ। और जितनी भी बुजुर्ग दादी नानी लोग हैं वो लोग ये लक्षण को ठोस लक्षण मानती है। हो सकता है फ्रेंड्स आपकी प्रेगनेंसी के दौरान भी ये लक्षण दिखाई दे और आपके साथ भी ये लक्षण मैच हो जाए। फ्रेंड्स ये जो पांच लक्षण है वो मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मुझ में दिखाई दिया था, वही लक्षण मैं आप लोग को बता रही हूँ। मैं किसी और का लक्षण आप लोग को नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ अपने प्रेगनेंसी के दौरान मुझ में कौन सी सिम्टम दिखाई दिया था वही सिम्टम मैं सिर्फ आप लोग को बता रही हूँ। हो सकता है फ्रेंड्स आपकी प्रेगनेंसी के दौरान में इनमें से कोई लक्षण आपके साथ भी मैच हो जाए या फिर सारे लक्षण भी आपके साथ मैच हो जाए जो मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मुझ में दिखाई दिया था। और फ्रेंड्स ये भी हो सकता है कि मेरी प्रेगनेंसी के दौरान जो मुझ में लक्षण दिखाई दिया था वो आप में बिल्कुल ना दिखाई दे, उसका अपोजिट लक्षण आप में दिखाई दे, ये भी हो सकता है फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स हर प्रेग्नेंट महिलाओं की प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है और हर प्रेग्नेंट महिलाओं की प्रेगनेंसी डिफरेंट होने के वजह से उनमें हार्मोनल चेंज होती है और जिस वजह से उनको डिफरेंट लक्षण दिखाई देते हैं। हर प्रेग्नेंट महिलाओं में एक ही लक्षण नहीं दिखाई देते। फ्रेंड्स ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। और फ्रेंड्स आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आप में कौन सी सिम्टम दिखाई दे रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। ओके फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स, नमस्ते।